बाबा बेच रहे हैं 80 रुपए किलो, लेकिन हमें ये दे रहे हैं 120 रुपए के 2 किलो। तो बाबा से जो है ना, जब भी इस रास्ते पे आए बाबा से खरीदारी जरूर करें। चीकू इनके बड़े मीठे और जबरदस्त बलूचिस्तान के ये चीकू हैं। यहाँ आकर हम पर इंकशाफ हुआ कि हम रास्ता भटक गए हैं। सामने नजर पड़ी तो कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ धोने में मसरूफ थे इस बयाबान जंगल में और इस पहाड़ी इलाके में। बाबा से चीकू खरीदने के बाद हमने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वाकई हमें मालूम हुआ कि हम रास्ते से भटक गए हैं। किसी से पूछने की जहमत न की और दोबारा अपने सफर पर रवाना हुए, जो कि बंद मुराद वाले रास्ते से शुरू होता था। यह हमारी गलती थी कि किसी मकामी बंदे से पूछ लेते। खैर, आप ऐसा ना करें, गूगल मैप या फिर किसी मकामी बंदे से जरूर पूछ-गुछ करके अपना सफर करें। इन कच्चे और पक्के रास्तों पर हमें पता चला कि यहाँ पर कोई लोकल बस वगैरह बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त के लिए रक्शे या फिर उनकी अपनी मोटरसाइकिल या अपनी गाड़ी उनके पास ज़रूर होती है। इसी वजह से यहाँ हपडेम तक बहुत कम लोग आते हैं। खैर जी, किसी तरह हमने ये सफ़र पूरा किया और बड़ी मुश्किलों से हब डैम तक पहुंचने में कामयाब हो गए। और आगे चल के आपको दिखाते हैं हब डैम। यहाँ एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है जिसे आप अपनी फैमिली के लिए वापडा वालों से रेंट पर भी ले सकते हैं और जिसका रेंट भी बहुत ही माकूल है। दूर होने और सफरी मुश्किलात होने के बायस बहुत कम लोगों को यहाँ का पता है कि हब डैम एक पिकनिक पॉइंट भी है। हब डैम का शुमार पाकिस्तान के 3 बड़े डैमों में होता है। इसकी तामीर 1963 में शुरू हुई और 1979 में मुकम्मल हुई। 1982 को बाकायदा कराची को पानी की सप्लाई शुरू हुई, जो कि यौमिया 80 मिलियन गैलन है, जो कराची को हब डैम के ज़रिए मिल रहा है। 1986 को जब डैम का निज़ाम बलूचिस्तान के हवाले हुआ, डैम बनने के बाद पहली बार 1984 को पूरे तौर पर फुल हुआ। हब डैम की लंबाई 30,360 फीट है, जबकि ये डैम सतह समंदर से 355 फीट बुलंद है और इसमें पानी की गुंजाइश 339 फीट है। इसकी गहराई 338 फीट है। तरबेला और मंगला डैम के बाद पानी जखीरा करने वाला पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है हब डैम। ये डैम माहीगीरों के लिए भी बहुत बड़ा मकाम रखता है। यहाँ के माहीगीर यहाँ से मछलियाँ पकड़कर मकामी मछली मंडी में फरोख्त करते हैं और अपना और अपने बच्चों का ज़रिया माश बनाते हैं। पहली बार 28 जुलाई 2003 को ये डैम अपनी गुंजाइश से, जो कि 339 फुट है, उससे भी तजावज कर चुका है। डैम को बड़े सैलाबी रेले और किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दूसरी तरफ खला का रास्ता बनाया गया है, ताकि किसी भी हंगामी हालत में और डैम को नुकसान पहुंचने की सूरत में इस रास्ते से पानी को छोड़ा जाता है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो हब डैम को खूबसूरत तफरीगा बना सकती है, जो कि ऑलरेडी है, अगर सफरी रास्तों को बना दिया जाए। इससे यहाँ के मकामी लोगों को बेहतरीन रोज़गार के मौके और उनके आमदनी में इजाफा हो सकता है।
और कराची के लोगों को एक करीब और बेहतरीन तफरी मकाम मिल सकता है। एक बात का बहुत ही ख़ास ख्याल रखें, जब इस जगह पर पहुँचें, ये जगह आपने देखी है कितनी खूबसूरत है और साफ़ सुथरी है, जब भी आप यहाँ आएँ गंद और कूड़ा ना करें कि जिससे यहाँ का माहौल ख़राब हो सके। का ये हसीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा हब डैम के पानी के अंदर। कराची से तकरीबन 85 किलोमीटर पर ये डैम वाक़िया है और इस डैम में बहुत बड़ा डैम है, ये बिल्कुल ब्लू वाटर है। हम घूमने फिरने पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ सुकून कितना है, इतना फील हो रहा है मुझे यहाँ सुकून कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपने दो शहजादाओं के साथ यहाँ पर आया हूँ। कराची में गर्मी, अब आप ये देखें मैं धूप में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं धूप में खड़ा हूँ। बहुत ही यानी इतना गर्म इलाका नहीं है ये पानी की वजह से। और दरख्वास्त यही है आप सब लोगों से कि ऐसी जगहों पर जब भी आएँ गंदगी ना फैलाएँ, ये हमारा अपना पाकिस्तान है। चल रहा है कराची में बिल्कुल 40-42 डिग्री चल रहा है, लेकिन यहाँ पर गर्मी बहुत कम है। पूरा डैम आपको दिखाया हमने, कुछ ड्रोन शॉट है वो आपको दिखाएंगे, और यहाँ से अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।